बेसिकली मैंने अपने काम के थ्रू अपने रिलीजन को दिखाना था कि हम किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं और क्या क्या हमारे बिलीव्स हैं। जो मेरा काम का स्टार्ट था वो बेसिकली था डिफरेंट लैंडस्केप्स को इकट्ठा करना। तो मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू की थी जिसके अंदर मैंने अपने जो भी रिश्तेदार दोस्त डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रहते थे उनको मैंने खत लिखा था कि आप मुझे कोई भी मिट्टी ट्रांसफ़र करें थ्रू कॉरियर TCS जो भी आपके पास एक्सेस है। तो उससे मेरा कंसर्न ये था कि अगला बंदा उस मिट्टी को किस तरीके से परसीव कर रहा है, क्या वो अपने घर के मंदिर की भेज रहा है, आंगन की भेज रहा है, मस्जिद की भेज रहा है, या वहाँ पे कोई रिलीजियस जगह हैं या कोई कल्चरली बिल्डिंग्स हैं उनकी भेज रहा है। तो वो मैंने एक साथ डिफरेंट लैंडस्केप्स दिखाने थे कि हम किस तरीके से देख रहे हैं। उसके बाद मेरा जो काम प्रोड्यूस हुआ वो हुआ कि हम एशेस हमारी किस तरीके से होती है, जो अस्थियाँ होती है वो। तो मैंने क्या किया कि जो हिंदू रिलीजन के अंदर कॉन्सेप्ट है कि 84 लेक्स जूनियाँ होती हैं जिसको हम जन्म कहते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं। तो मैंने इस तरीके से जो भी सराउंडिंग के अंदर चीज़ें मुझे एक्सेस में थी मैंने 84 किस्म की चीज़ों को बर्न किया प्रॉपर, जिस तरीके से हम एक हिंदू रिलीजन के अंदर लाश को जलाते हैं उस तरीके से मैंने उनकी अस्थियाँ कलेक्ट की और उनको डिस्प्ले किया था। एक लाख जोनी को कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ये चीज़ इस तरीके से। तो मैंने उस चीज़ को उठाया गोबर को और उससे 5000 ब्रिक्स बनाई थी। 5000 ब्रिक्स बनाने के बाद उसका मैंने एक सेक्रेट पाथ बनाया था उसका टाइटल दिया था मैंने सेक्रेट, क्योंकि वो रिचुअल और बड़ी एक जो रिलीजियस चीज़ें थी उनसे बना हुआ था। उसके अंदर मैंने सीड्स लगाए थे बाजरे के, उसका मकसद ये था कि हमारे जब रोज़े होते हैं जिसको नवरात्रि कहते हैं 9 दिन, उसके अंदर हम बाजरे का यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हमें एक क्या कहें जिसको हम दर्शन होते हैं एक किस्म के, जो हमारा बिलीव है कि आप कितनी वहाँ पे इबादत कर रहे हैं, कितनी तपस्या करें, कितनी इंटेंशन के साथ करें, वो जितना आपका उसके अंदर इनपुट होता है उतना आउटपुट मिलता है, वो जल्दी से ग्रो करती है। तो मेरे दिमाग में था कि बाजरा जो सबसे फास्टेस्ट बीज है जिसको मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने सेक्रेट पाथ के अंदर वो बाजरा लगाया था और उसको जितने भी हमारे विजिटर्स आते थे या जो हमारे व्यूअर्स आते थे थीसिस के दौरान, वो आके उनको पानी देते तो उसके साथ साथ वो चीज़ उग रही थी। उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि बाजरा जो वो उग रहा है उसको आप पानी दो या नेचर के ऊपर छोड़ दो, जब बारिश होगी उसको पानी लगेगा, वो फर्टिलाइज होगा और उससे एक सिट्टा निकलेगा, उसमें बाजरा होगा, दोबारा वो गिरेगा, दोबारा एक सर्कल चलता रहेगा। तो मेरा एक लाइफ डेथ और रिबर्थ का जो कॉन्सेप्ट था उसकी रिफ्लेक्शन थी एक विजुअल फॉर्म में कि आप किस तरीके से परसीव कर सकते हैं कि लाइफ का सर्कल किस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके अपना काम प्रोड्यूस किया।